दोस्तों फेबर की चिमनी जो है, आप ऑटो क्लीन वाली भी लेंगे तो भी आपको सफाई करने का काम करना पड़ेगा हर एक महीने में, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा लेट कर दिया है तो आप जाली की हालत देख सकते हैं, जाली चिपक गई थी। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही आप यहाँ से दो स्क्रू निकालेंगे, यहाँ आपको दो स्क्रू बड़े बड़े से दिख रहे होंगे, मैं आपको नट्स दिखा देता हूँ, इसकी नट्स कहाँ पर है, ये दोनों नट्स पड़ी हुई है, ठीक है, ये दोनों नट्स देख लीजिए, ये दोनों नट्स जैसे ही निकालेंगे तो जाली जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगी। लेकिन ये निकल नहीं रही थी बिकॉज ये चिकनाहट की वजह से ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ सतह जो है, यहाँ सतह पे चिपक गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि कैसे निकालें, तो कोई टेंशन की नहीं है, ऐसे करके निकालना है। अगर नहीं निकलती है तो आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डालिए और उससे खींचिए तो नीचे गिरेगी। लेकिन याद रहे कि आपको हाथ किसी दो हाथ रखने और एक इंसान निकालेगा और दूसरा हाथ रखेगा तब जाके निकलेगी। और निकालने से पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है कि इसमें रीसेट का ये पूरा बटन दिया हुआ है ऑटो क्लीन का जो 9 मिनट चलता है, तो ये ट्रे निकालने से पहले और ये जाली निकालने से पहले 9 मिनट आपको ऑटो क्लीन पे रख देना है। तो पूरा जो जितना भी अंदर का पार्ट्स है, ठीक है, जो अंदर का पार्ट्स है आप देख लीजिए, ये अंदर जहाँ पे ऑयल वगैरह जमा है वो सारा नीचे उतर के इस ट्रे में आ जाएगा। लेकिन अभी इतनी कोई चिकनाहट है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें तेल आ जाएगा लेकिन नहीं आया है। और उसको कैसे धोना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे इसको निकालना है, प्लस यहाँ पे भी चिकनाहट है हल्की सी, यहाँ चिकनाहट है, तो आपको जहाँ भी हाथ जाता है कोई ऐसा सॉल्यूशन आप ले सकते हैं जिससे अच्छी सफाई होती हो। और गर्म पानी का पोछा, इससे आप ये चिकनाहट जो जितनी भी जमी हुई है ना, ये आप थोड़ी सी हल्की फुल्की अंदर के किनारों से भी देखें, यहाँ पे भी है, अंदर के किनारों से भी थोड़ी सी हटा दीजिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी थोड़ी जमी हुई होगी लेकिन यहाँ बहुत जोर मत लगाइएगा, देखिए ये यहाँ जोर मत लगाइएगा, यहाँ हल्के हाथों से करिएगा। तो ये हो गया, आपको निकालना कैसे है ये तो बिल्कुल निकालना आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे आसानी से ये जो ट्रे है वो लग जाती है, ठीक है, ये ऐसे आसानी से निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है कि एकदम खोलता हुआ गर्म पानी से, अगर ज़्यादा दिन की चिकनाहट है, ये अंदर की साइड का है देखिए कैसे चिपका हुआ है, तो ज़्यादा दिन का अगर है दोस्तों तो आप गर्म पानी बिल्कुल कर लीजिए, हैवी गर्म पानी, और उस एक बर्तन में जो है हम इसको धोएंगे और एक कोई सॉल्यूशन से साफ कर लेंगे, पूरा साफ कर लेंगे और अंदर भी सफाई कर लेंगे और फिर वापस से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अब धोते हैं और उसके बाद वापस इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों सफाई कर ली है गर्म पानी से बिल्कुल, ठीक है, हल्की सी चिकनाहट अभी भी है क्योंकि लगभग हमने इसको 2.5-3 महीने बाद किया है, जो आपको नहीं करना है। और हर महीने में एक बार आपको कर लेना है ताकि आपको ये सफाई अच्छी हो जाए, वरना ज़्यादा तेल चिपका हुआ ऑयल पार्टिकल चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। जाली है इसके, ये जो दो पार्ट्स दिख रहे हैं ये पीछे की साइड जाएंगे, यहाँ पर सामने बने हुए हैं, ठीक है, वहीं पे जाएंगे ये देखिए, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, चले गए देखिए। अब आसानी से बस ये सिर्फ इतना कर देना है, देखिए अभी भी थोड़े से ऑयल पार्टिकल है जिसकी वजह से चिपक जा रहा है, और फिर और कुछ नहीं करना है आपको, बोल्ट वापस लगा देने हैं। याद रहे साफ करने से पहले आप जो है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि रीसेट करने के लिए जो पूरी सिस्टम कंपनी ने दी है वो कर लीजिएगा, उसके बाद आप ऑयल पार्टिकल साफ करिएगा। और अंदर से जब साफ करें तो थोड़ा यहाँ की जो बॉडी है वो थोड़ी हल्की है, तो ध्यान से हल्के हाथों से साफ करें, बहुत जोर ना लगाए, कोई ऐसे केमिकल्स ले लें जिससे जो है वो ऐसा कुछ केमिकल आता है, ये लगाने से दोस्तों क्या होता है कि जो जंग होती है या नलों के ऊपर जो वो जमी होती है, देखिए इसमें चिमनी का भी दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि वो जो जितनी भी परत जमी हुई है वो थोड़े 1-2-4 घंटे के बाद निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इस ट्रे को भी लगा देते हैं और ये हमारा काम हो गया, फिर से हमारी चिमनी जो है वो काम करने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। अब देखिए कितनी चमक गई है, यहाँ से ऊपर से भी सफाई की, यहाँ से भी की, मेन तो अंदर वालों के लिए जिनको सफाई की जरूरत थी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी सफाई की और जरूरत है बिकॉज ये सांखों के अंदर और भी ऑयल है, तो आप ज्यादा लंबा टाइम रखेंगे तो सफाई करने में दिक्कत होगी, तो जल्दी जल्दी हर महीने में करना है। ऑटो क्लीन चिमनी का मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी साफ नहीं करना है, ठीक है, काफी लोग ये दुविधा में रहते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं बता दूं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे हुआ था, इसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस लगा था और हमने इस किचन के अंदर पूरा इसको छुपा दिया है, ये पूरा जो आपको बॉटल ग्रीन ऊपर से दिख रहा है
और नीचे ये हुड है इसका, यहाँ पर ये इसकी चिमनी का, ठीक है, और पीछे हमने छुपा दिया, आप देखिए, ठीक है। तो ये अच्छे से करवाइएगा, बिकॉज पहली बार में जो इनका इंजीनियर आया था उसकी काफी कंप्लेंट थी, वो सही से करके नहीं गया, बिकॉज क्लैंप लगाने होते वो नहीं लगाए थे। तो वो वीडियो में आप देखिएगा कि पहला वीडियो जो मैंने करा है बिल्कुल टोटली अनप्रोफेशनल उसने काम करके गया था, सिर्फ एक होल किया था उसने, एकदम अच्छे से किया था, बाकी कोई काम अच्छे से नहीं था। तो वो वीडियो जाकर देखिए, आप लोगों को पता चलेगा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह मैंने सब उसमें बताया। आई होप आप लोगों को ऐसे ही मैं दोस्तों होम अप्लायंसेस के वीडियो बनाकर देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में।